और दोस्तों क्या हाल चाल हैं आप सबके। तो गाइस यार आ गया हूँ मैं एक और वीडियो के साथ और यहाँ पर अपने साथ लेजेंड। और यार मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि भाई इसके बाद से अपने किलर्स के गेम प्ले काफ़ी कम आएंगे या फिर ना के बराबर आएंगे। अब इसकी वजह ये है क्योंकि भाई किलर्स के गेम प्ले में जो मैच मेकिंग का टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कभी कभी 10 से 15 मिनट भाई वेट करना पड़ता है। और दूसरी बात भाई एनिमेशंस के समय काफ़ी ज़्यादा लैग होता है और दबा के फ्रेम ड्रॉप होते हैं भाई, मतलब बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ आप देखोगे कि यार किलर्स के गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इजी भी होते हैं, मतलब नॉर्मली आपको 4 के 4 किल मिल ही जाते हैं, जो कि यार मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे मैं किलर्स के गेम प्ले आसानी से बना सकता हूँ, लेकिन भाई वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। किलर्स के गेम प्ले में अपने को कुछ खास मज़ा आता नहीं है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह लैग है, फ्रेम ड्रॉप, और साथ ही साथ भाई जो मैच मेकिंग का काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ना वो। तो इसीलिए अपन ना अभी किलर्स के गेम प्ले भाई बहुत कम करने वाले हैं। और यार सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है, मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है इसमें भाई 8 GB रैम है और स्नैपड्रैगन 855 प्लस। तो इस पे ये हाल है, ठीक है, इतना मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो सोचो अगर अपने पास 4 GB वाला या फिर इसके आसपास कोई डिवाइस होता जिसमें भाई 4 GB रैम होती तो वाट ही लग गई थी। फिलहाल के लिए मोरल को अपन लोगों ने झूले पे लटका दिए और यहाँ पर है कोई आसपास, अच्छा मेग और डॉइट नमूना अपने को मिल चुका है। ये क्या कर रहा था भाई, भाई साहब कौन सी टेक्निक लगा रहे थे, पता नहीं जो भी लगा रहे थे। चलते हैं ले चलते हैं इनको भी झूले पे, और यहाँ पर दो बंदे समझ लो कि एक साथ झूले पे बस लटकने ही वाले हैं, लटक गए, आराम करो डॉइट। वीडियो को यार लाइक कर देना आप लोग, और जो भी अपने भाई लोग चैनल पे नए हैं यार याद से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब तक यार आप लोगों ने अपना सेकेंड चैनल चेकआउट नहीं किया है तो भाई फटाफट से यार जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखा जाए यार तो बाकी के बंदे कहाँ पर गलती मार गए, वैसे दो बंदों की वाट लग गई है इनकी, तो बैंड बजने वाली है ऐसा लग रहा है। इनकी आसपास है कोई, पैलेट के पास होना चाहिए वैसे, अच्छा भाई देख रहे फील्डिंग लगा के रुकी थी पैलेट मारने के लिए। ओके पीछे किसी को उतार लिया, तो फटाफट से चलते हैं इनकी पहले खबर लेंगे, मेघ को तो देख ही लेंगे बाद में। यहाँ से बंदे निकल गए आगे की तरफ, आसपास वैसे होने चाहिए इतने में ही, थोड़ा आगे कोई ना कोई तो मिलना चाहिए यार। अच्छा ऊपर है कोई, इस तरफ नहीं ऊपर ही है, भाग नहीं रहा है भाई, क्या बात है, भागो, भागने की आदत डालो, ऐसे नहीं चलेगा, आदत लगाओ भागने की। तो झूला पास में ही भाई, यहीं पर लटका दिया जाए इसको, और ड्वाइट को भी उतार लिया गया है, ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं सबसे पहले इस बार कौन अपने को मिलता है। वैसे अब तक इनका एक ही जनरेटर कंप्लीट हुआ है और बंदों की तो वाट लग ही रही है, सबके सब बंदे हील हो चुके हैं। वैसे सामने स्क्रैच मार्क से यहाँ पर डॉइट मिल गया अपने को, इसको एक लगाया जाए भाई, अबे रुक जा, चलो एक पड़ गई और मोरल को उतार लिया। एक काम करते हैं उनकी तरफ पहले चलते हैं, डॉइट को भागने दो यार इसको, ये कुछ समय बाद घूम फिर के अपने पास ही लौट के आएगा, नमूना है ना। ओके तो यहाँ वाले काम है भाई, स्क्रैच मार्क्स तो आसपास में ही है लेकिन निकल गए, कल्टी मार गए, चलते हैं देखते हैं ड्वाइट कहाँ पर निकल गया, आसपास है क्या कि आगे भाग गया, वैसे ज़्यादा दूर तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पर अपने को ये पता चला है कि मेग है, मोरल है, ड्वाइट है, लेकिन चौथा बंदा कौन है अब तक उसके बारे में अपने को कुछ पता चला है नहीं। यहाँ पर काम हो रहा है मेग और ड्वाइट, अबे ड्वाइट भाग भाई, इनको बोलो यार भागा करो, आदत लगाओ भागने की, ऐसे नहीं चलेगा। ओ भाई क्या खतरनाक लैग, एकदम खतरनाक लैग भाई, वैसे आप लोगों को देखने में ठीक से पता नहीं चलता होगा लेकिन स्क्रीन को टच करोगे तब समझ में आएगा कि मामला क्या होता है। ये देखो तो यहाँ पर चौथी है नैंसी, जिसको डाउन कर दिए, और ये नमूना कहाँ जाएगा, अबे इधर आ लौट क्या भाई, सही में लौट पड़ा भाई, क्या चीज़ है यार ये ड्वाइट, तो कमाल है, बहुत कमाल की चीज़ है भाई ड्वाइट, लटकाते हैं तो ड्वाइट वहाँ से अपने कल्टी मार चुके हैं यहाँ से, और नैंसी को भी झुलाया जाए फिर बाकी के बंदों की खबर लेंगे। अब पता है नैंसी को लटकाने के बाद अगर नैंसी टपक जाती
मतलब मान लो कि अगर इसको सेव करने कोई नहीं आता है और नैन्सी टपक जाती है तो मॉरेल और मेग में कंपटीशन चलेगा कि कौन बच पाता है। वैसे यहाँ पर था कोई, मॉरेल तो यहीं पर मिल गई यार। ठीक है, इसको भी दिया जाए फटका। एक पड़ गई, कितना भागेगी? अरे रुक जा, ठीक है आपन भी तेज़ी से डाकेगा। अरे रुक, ठीक है आपन खिड़की से भी निकलेगा। इसी की तैसी क्या समझ रखा है इन लोगों ने। भाई बहुत भाग रही है, वैसे ये नैन्सी को उतारेगी शायद, देखते हैं क्या करती है। अच्छा नहीं उतारा भाई, ऊपर भाग गई। इस बार भागेगी देखना, इस बार पहले ही कूद पड़ी भाई, पिछली बार भाग ही नहीं रही थी, इस बार पहले ही। ओ भाई, ओ यार कैसे नहीं पड़ा। ठीक है पैलेट की तरफ भागेगी, लेकिन पैलेट तक जाने देंगे तब ना। चलो झूले पे चलो, और इसको देखो यार नैन्सी को क्या स्ट्रगल कर रही है। अरे टपक जा, क्या फोकट में स्ट्रगल कर रही है यार। इसको क्या लग रहा है अब सेव करने कौन आएगा? इसको मेग आएगी। अरे मेग नहीं आने वाली, मेग की बारी अब आ चुकी है, आपन लोग खुद मेग को ढूंढ लेंगे। नैन्सी का भी खेल ख़त्म ही समझो, और बस अपने को मेग को देखना है कहाँ पर है, मिल जाए तो अच्छा है नैन्सी के टपकने के पहले। अच्छा यहाँ पर स्क्रैच मार्क से भाई मिल गई समझो, आसपास वैसे होनी चाहिए, देख लेते थोड़ा आगे। एक मिनट, बाहर निकल तेरी ऐसी की तैसी। मामू समझाए, ये सब मैं करके छोड़ दिया हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही करके छोड़ दिया हूँ, और छोड़ नहीं दिया हूँ भाई, अभी भी करता हूँ, काफ़ी करता हूँ। अरे उतर तेरी भाई, देख रहे हो इसको? अरे उतर जा, क्या फोकट में मस्ती कर रही है, देख ऐसा मजाक अपने को अच्छा नहीं लगता, चुपचाप से उतर जा। अच्छा हेलिंग कर रही है, उतर तेरी भाई, इसको देना पड़ेगा जाके ऊपर। देख रहे हो बेशरम को, मुंह पे खड़ा हूँ इसके, फिर भी हीलिंग करे जा रही है भाई, कोई डर वर कुछ है ही नहीं। ले चला जाए भाई इसको झूले पे, और वीडियो को यार लाइक मार देना। जो भी अपने भाई लोग यार चैनल पे नए हो, फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने यार सेकंड वाले चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाके कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और ज़ोरदार वीडियो में, जल्द से जल्द। It's all about humanity.